एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना दबदबा दिखाया। मंधाना के 149 रनों और शैफाली के शानदार दोहरे शतक, जिसमें 8 छक्के शामिल थे, की बदौलत भारत ने पहले दिन 4 विकेट पर 525 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टेस्ट मैच के पहले दिन बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने भी 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान हरमनप्रीत कौर 42 और ऋचा घोष 43 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए अब तक 75 रनों की साझेदारी हो चुकी है। इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत को शैफाली वर्मा और मंधाना ने अच्छी शुरुआत दिलाई। शैफाली ने कवर के जरिए चौका लगाकर अपनी लय हासिल कर ली, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच साझेदारी 292 रनों तक पहुंच गई, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शतक जड़े। शैफाली के आक्रामक स्ट्रोक प्ले, जिसमें उनके रिकॉर्ड तोड़ छक्कों की झड़ी भी शामिल थी, ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को निराश कर दिया। दक्षिण अफ्रीका को लंच ब्रेक के दौरान थोड़ी राहत मिली, लेकिन मंधाना और शैफाली ने खेल फिर से शुरू होने के बाद भी अपना आक्रमण जारी रखा। बाउंड्री लगातार आती रही और आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने अपना शतक पूरा किया। वनडे में पहले ही 2 शतक और 90 रन बना चुकी मंधाना के पास इस बार दोहरा शतक बनाने का मौका था, लेकिन 149 रन पर उनकी पारी थम गई, जब उन्होंने डेल्मी टकर की एक गेंद को स्लिप में मौजूद एनेरी डर्कसन को कैच थमा दिया। मंधाना ने 161 गेंदों का सामना किया और 27 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि शैफाली ने लगातार 2 छक्के और 1 रन लेकर शानदार दोहरा शतक पूरा किया। उनके लगातार हमले और जेमिमा रोड्रिग्स के तेज योगदान ने दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि शैफाली के रन आउट होने से दक्षिण अफ्रीका को राहत मिली। शैफाली ने 197 गेंदों पर 23 चौके और 8 छक्के की बदौलत 205 रन बनाए। कुछ ही देर बाद रोड्रिग्स अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद 55 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर डेल्मी टकर का दूसरा शिकार बनी। भारत ने इसके बाद भी रन बनाना जारी रखा और टीम का स्कोर 500 के पार पहुंचा दिया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 4 विकेट पर 525 रन बना लिए, जो महिला टेस्ट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे स्कोर है। दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान हरमनप्रीत कौर 42 और ऋचा घोष 43 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए अब तक 75 रनों की साझेदारी हो चुकी है।